कोरोना संक्रमण के कारण पिछले दो माह से बंद स्मारक केंद्र सरकार की ओर से संरक्षित देश की सभी ऐतिहासिक धरोहरें और म्यूजियम करीब दो माह बाद 16 जून बुधवार को लोगों के लिए खुल रहे हैं। यह जानकारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने दी। इसमें पूरे देश में 3,693 स्मारक हैं और 50 संग्रहालय शामिल हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक अधिकारी ने बताया कि आगंतुक प्रवेश के लिए टिकट ऑनलाइन ले सकेंगे और स्मारक स्थल पर टिकट नहीं मिलेगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश के अनुसार स्मारकों को राज्य, जिला या आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए कार्यकारी आदेशों का कड़ाई से पालन करते हुए खोला जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 15 अप्रैल को एक आदेश में इन स्मारकों को 31 मई तक के लिए बंद कर दिया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।